हेलो इंजीनियर्स, वंस अगेन वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग अड्डा। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे हम जो बिलासपुर मंडी ले रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और देखेंगे इसका रूट मैप और कौन कौन से एरिया से होके जाने वाली और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर बात करेंगे हम कि कितने टनल्स रहने वाले हैं, कहाँ से जो है हमारा रूट मैप रहने वाला है और जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीशन होने के बाद, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो मैंने गूगल मैप्स पे आपके सामने जो मैंने प्रोवाइड कर रखा है, इसके ऊपर मैंने कुछ मार्किंग्स कर रखी हैं, इसके बारे में आपको पहले बता दूँ। तो सबसे पहले ये जो आपको ब्लैक कलर की जितनी मार्किंग्स दिख रही है, ये जो सामने आपके सामने ब्लिंक हो रहा है, ये जो हमारा एग्जिस्टिंग जो रेलवे ट्रैक है उसका पाथ है और इसकी रूट मैप आप देख सकते हैं। अम्बाला जम्मू कटरा का जो रेलवे ट्रैक है वो इस ब्लैक लाइन को रिप्रेजेंट करता है और लुधियाना अमृतसर पठानकोट सीरन कीरतपुर साहिब अम्बाला चंडीगढ़ चंडीगढ़ शिमला और जोगिंदर नगर लाइन जो है इस ब्लैक लाइन को रिप्रेजेंट करती है जो अभी आपके सामने जो है ब्लिंक हो रही है। और उसके बाद जो अभी हमारा प्रपोज्ड जो अभी हमारा रेलवे ट्रैक बनना है जो कि बिलासपुर से लेके लेह तक जाएगा, उसका रूट मैप आप सामने देख सकते हैं। जो बिलासपुर भुंतर 100 किलोमीटर, बिलासपुर लिंक 50, भुंतर मनाली, मनाली केलोंग, केलोंग सरचू, सरचू तंगलंगला और तंगलंगला टू लेह, ये जो हमारा रूट मैप रहने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंडर और इसी के ऊपर हम सारी डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। और साथ में ये बता दूँ एक्सटेंशन पॉइंट्स जो है हमारे यहाँ पे, ये जो सामने आपके सामने दो पॉइंट्स जो ब्लिंक हो रहे हैं ये हमारे एक्सटेंशन पॉइंट्स हैं, इसको बनाया जाएगा फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद। जो भी हमारा बिलासपुर से लेके लेह तक का जो सफ़र है उसको कंप्लीट करने के बाद जो है इसको एक्सटेंड किया जाएगा थ्रू काजा लाइन और शुमार एक्सटेंशन जो पॉइंट है, यहाँ से इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीट होने के बाद, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इसका रूट मैप रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। जो बिलासपुर ले रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, ये प्रपोज्ड हाई एलिवेशन ऑल वेदर ब्रॉड गोज रेलवे ट्रैक है जिसको प्लान किया गया है बिलासपुर से लेके लेह तक के सफर को कनेक्ट करने के लिए। बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश में आता है और अप टू लेह तक इसको कनेक्ट किया जाएगा जो कि लद्दाख की यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, वहाँ तक इसको जो है रेलवे ट्रैक के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा और इसको लिंक किया जाएगा इंडियन रेलवे नेटवर्क जो भी हमारा प्रेजेंट है, एक्चुअल में प्रेजेंट है, उसको एक्सटेंशन के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा वाया 62 किलोमीटर जो हमारी लॉन्ग अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन है फ्रॉम भानुपल्ली टू बिलासपुर। बिलासपुर क्लियरली देख सकते हैं जो भानुपल्ली से जो हमारा रेलवे ट्रैक के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा बिलासपुर को, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक है जो कि ऊना सिरहिंद और अम्बाला जो कि एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक है उससे यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा वाई एक्सटेंशन ऑफ 62 किलोमीटर रेलवे लाइन और यहाँ से देन फर्दर बिलासपुर से आगे इस पाथ को फॉलो करता हुआ जो लेह तक जो है हमारा सफ़र जाने वाला है थ्रू रेलवे लाइन। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो कि हमारा बिलासपुर से लेह तक का जो सफ़र है कुछ इसी पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा जो कि बिलासपुर से स्टार्ट होता है और इसी पाथ को फॉलो करते हुए थ्रू मंडी कुल्लू मनाली से लेके लेह तक हम पहुँचेंगे। और जितना भी डाटा मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सर्वे के बेस पे, जो भी हमारा एनालिसिस हुआ था उसके बेस पे मैंने सारा डाटा कलेक्ट करके इम्प्लीमेंट कर रखा है गूगल मैप्स पे, ताकि समझाने में ज़्यादा आसानी हो और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सुंदरनगर झील के जो लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारा ये रेलवे ट्रैक है यहाँ से पास होने वाला, और एक वीडियो में मैंने पहले कवर किया था जो हमारा कीरतपुर से लेके मंडी तक का जितना भी नेशनल हाईवे बनने वाला है वो भी कुछ इसी पाथ को फॉलो करता हुआ जो है नेरचौक की तरफ आगे जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी पाथ को फॉलो करते हुए हम आगे नेरचौक तक पहुँचेंगे और ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। इसमें थोड़ी लाइनिंग्स वगैरह चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सर्वे के बेस पे, जितने भी मार्किंग्स मैंने कर रखी हैं वो कुछ ही नहीं लोकेशंस को स्पेसिफाई करते हुए जो है वहाँ पे सारा डाटा था और इसी को बेस पे मैंने जो इम्प्लीमेंट कर रखा है। और जैसे कि हम अभी मंडी पहुँच चुके हैं और मंडी को बाईपास करते हुए जो कि हमारी टनल थी उसी रास्ते से जो हमारा टनल का रास्ता ये जाने वाला है और इसी से जो आगे हमारा रास्ता जो वायर टनल होके कुल्लू की तरफ जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में लगभग 83,360 करोड़ रुपये का जो खर्चा आने वाला है टोटल, और लगभग 498 किलोमीटर लंबी जो है रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जो कि लेह को बिलासपुर से जोड़ेगी और पूरे भारत से जो है जोड़ने वाली है लेह बिलासपुर रेलवे लाइन। और इस प्रोजेक्ट में टोटल 30 स्टेशन जो है रहने वाले हैं जो कि आपको बिलासपुर मंडी कुल्लू से होते हुए आपको लेह की तरफ पहुंचाएंगे।
और बात करें इस पुल में कितने टनल्स आने वाली हैं उसके बारे में, तो फर्स्ट सर्वे के एनालिसिस के बेस पे 74 टनल्स जो इसमें टोटल आने वाली हैं, और 124 मेगा ब्रिजेस जो बड़े ब्रिजेस होते हैं 124 मेगा ब्रिजेस आने वाले हैं, और लगभग 396 मेजर ब्रिजेस जिनको पुलिया कहा जाता है, लोग लगभग 396 जो हमारे माइनर ब्रिजेस आने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट का लगभग 52% सफ़र, आधे से ज़्यादा सफ़र जो है हमारा टनल के अंदर से आने वाला है, और जो हमारी सबसे लंबी टनल है उसका डिस्टेंस है 27 किलोमीटर, और पूरे प्रोजेक्ट की जो 244 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है हमारे टनल के अंदर से रहने वाली है, लगभग आधे से ज़्यादा सफ़र जो है हमारा टनल के अंदर से होने वाला है। और ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है सिविल इंजीनियर्स के लिए और पूरे साथ ही साथ पूरे भारत के लिए, जो कि जम्मू बारामूला लाइन के बाद बिलासपुर लेह लाइन ऊंचे पहाड़ों, बड़ी संख्या में सुरंगों और ऊंचे पुलों और भीषण ठंड के मौसम के कारण जो भारतीय रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण जो है रेलवे प्रोजेक्ट होने वाला है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट है वो 5,360 मीटर पर है, जो कि तंगलंगला स्टेशन है। और इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले हाईएस्ट एलिवेशन रेलवे लाइन पे जो बनाने का कारनामा जो है चाइना कर चुका है, और इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद जो तंगलंगला जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एलिवेशन होने वाला है इस पूरे प्रोजेक्ट का। और इस पूरे प्रोजेक्ट के कम्प्लीशन के बाद जो है ये इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल हो जाएगा पूरे भारत को, जो कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एलिवेशन पे रेलवे लाइन का निर्माण करने वाला सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो है होने वाला है पूरे इंडिया के लिए। और इस प्रोजेक्ट से पहले हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एलिवेशन पे रेलवे लाइन बनाने का कारनामा जो है चाइना कर चुका है, जो कि कुनगाय तिब्बत रेलवे प्रोजेक्ट है, और इसकी टोटल लेंथ जो है 1,956 किलोमीटर है, और इसका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड है 5,072 मीटर। और इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद जो है तंगलंगला जो है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एलिवेशन होने वाला है पूरे बिलासपुर और लेह तक के सफ़र का। और जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी हम लेह की डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, और यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगी इस पूरे प्रोजेक्ट की, जो कि हम आप देख सकते हैं पूरे लेह तक का सफ़र हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को सिविल इंजीनियरिंग अड्डा को, जहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर नॉलेज चाहिए, उसी के ऊपर आपको फर्दर पूरा डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस के बेस पे आपको मिलेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी पहले प्रोजेक्ट्स मैंने कवर कर रखे हैं, जो कि हमारा कीरतपुर से लेकर मंडी तक का सफ़र है, और मंडी से जो हमारा मनाली तक का सफ़र, और मंडी पठानकोट का जो भी हमारा फ्यूचर में प्रोजेक्ट बनने वाला है उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियोस आपको बना रखी हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।